हेलो फ्रेंड, फिर से आपका स्वागत है एक नया वीडियो में। तो फ्रेंड, क्या आपके भी इंस्टाग्राम पर यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रहा है, ट्राई अगेन लेटर? अगर फ्रेंड आप अपने इंस्टाग्राम पर कोई भी चीज को पोस्ट कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रहा है आपके इंस्टाग्राम पर, तो देख सकते हैं मैंने भी यहाँ पे एक रील को पोस्ट किया था तो यहाँ पे नोट पोस्टेड ये ट्राई अगेन का ये आ गया है प्रॉब्लम। तो अगर आपके पास भी ये प्रॉब्लम आ रहा है तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। और अगर आप अपने इंस्टाग्राम पर कोई रील को भी पोस्ट करते हैं तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ जा रहा है, ट्राई अगेन लेटर। अगर ये सब प्रॉब्लम आपके पास भी आ रहा है तो इस प्रॉब्लम को ठीक करना बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल है। बस फ्रेंड आपको इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना है और फ्रेंड वीडियो को देखने के बाद आपका जो ये प्रॉब्लम है फ्रेंड, ये डेफिनेटली ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है बिना स्किप किए हुए। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये प्रॉब्लम आता क्यों है आपके इंस्टाग्राम। अगर फ्रेंड आप अपने इंस्टाग्राम पर कोई भी गलत एक्टिविटी करते हैं तो इंस्टाग्राम को लगता है कि ये स्पैम कर रहा है, इसी वजह से ये प्रॉब्लम आपके इंस्टाग्राम में देखने के लिए मिलता है। तो आपको अपने इंस्टाग्राम पर स्पैम नहीं फैलाना है। और फ्रेंड मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जैसे कि फ्रेंड आप अपने इंस्टाग्राम पर कोई भी रील्स को बनाते हैं और बहुत सारे रील्स को आप अपने ड्राफ्ट में सेव कर देते हैं, उसके वजह से भी यहाँ पे ये प्रॉब्लम देखने के लिए आपके पास आ जाता है। जैसे कि फ्रेंड आप अपने इंस्टाग्राम पर ड्राफ्ट में बहुत सारा रील्स को रखते हैं, उसके वजह से भी ये प्रॉब्लम आ जाता है। तो फ्रेंड आपको ये सब ध्यान में रखना है, आपको अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट पर स्पैम नहीं फैलाना है, नहीं तो फ्रेंड हो सकता है इन फ्यूचर में आपका इंस्टाग्राम अकाउंट को भी बैंड कर दिया जाए। तो आपको अपने इंस्टाग्राम पर स्पैम बिल्कुल नहीं फैलाना है। तो अब मैं फ्रेंड आपको बताता हूँ कि ये प्रॉब्लम ठीक कैसे होगा, क्योंकि फ्रेंड ये प्रॉब्लम ठीक करना बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड अगर आपके इंस्टाग्राम पर ये प्रॉब्लम आ रहा है तो सबसे पहले आपको उस प्रॉब्लम का स्क्रीन शॉट ले लेना है। जैसे कि फ्रेंड मैं यहाँ पे एक स्क्रीन शॉट लेके रखा हूँ अपने गैलरी में, देख सकते हैं ये मेरा प्रॉब्लम आ रहा है। कोई भी पोस्ट कर रहा हूँ तो पोस्ट नहीं हो रहा है और कोई स्टोरी भी लगा रहा हूँ तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो आपको अपने इंस्टाग्राम का ये प्रॉब्लम का स्क्रीनशॉट लेके रखना है और आपको अपने इंस्टाग्राम के एप्लीकेशन में चले जाना है। जैसे कि फ्रेंड मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम को ओपन कर लेता हूँ। अब फ्रेंड आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको यहाँ पे ये कोने में प्रोफाइल मिल जाएगा आपका, देख सकते हैं मेरा प्रोफाइल दिया हुआ है, आपको सिंपल सा इसके ऊपर क्लिक करना है। और फ्रेंड अब आपको करना क्या है, और फ्रेंड अगर अभी तक हमें फॉलो किया था आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, देख सकते हैं 399 हो चुका है, आप अगर फॉलो कर देते हैं तो ये 400 हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको फॉलो भी कर लेना है हमारे इंस्टाग्राम को। और उसके बाद फ्रेंड आपको करना क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं कोने में 3 लाइन है, इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा फ्रेंड, देख सकते हैं सबसे फर्स्ट में सेटिंग एंड प्राइवेसी, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब फ्रेंड आपको करना क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक हेल्प करके ऑप्शन, देख सकते हैं यहाँ पे हेल्प का ऑप्शन दिया हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे सबसे फर्स्ट में देख सकते हैं लिखा हुआ है रिपोर्ट ए प्रॉब्लम, आपको सिंपल सा इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा, देख सकते हैं ये जो ऑन है इसको ऑफ करना है और उसके बाद यहाँ पे रिपोर्ट ए प्रॉब्लम के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही रिपोर्ट ए प्रॉब्लम के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा, इस बार आपको सबसे फर्स्ट वाले के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको अपना जो प्रॉब्लम है इंस्टाग्राम पे वो यहाँ पे आपको टाइप करना है, जो भी आपका प्रॉब्लम होगा आपको यहाँ पे लिख देना है। तो सबसे पहले मैं फ्रेंड यहाँ पे नोट पैड में अपना प्रॉब्लम को टाइप करके रखा हूँ, मैं यहाँ पे वो कॉपी कर लेता हूँ। और फ्रेंड अगर आप भी ये प्रॉब्लम को यहाँ पे टाइप करना चाहते हैं तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टाइप कर दिया है, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे नोट पैड से अपना प्रॉब्लम को कॉपी कर लिया और फ्रेंड मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड आपको करना क्या है, यहाँ पे जो अभी आपने प्रॉब्लम का स्क्रीन शॉट लेके रखा था आपको यहाँ पे अपलोड के ऊपर क्लिक करके आपको अपना गैलरी से यहाँ पे वो वाला फोटो को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड आपको करना क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं सेंड का ऑप्शन दिया हुआ है, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देनी है। जैसे ही सेंड के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो ये प्रॉब्लम जो होगा सीधा आपके इंस्टाग्राम की टीम के पास चले जाएगा। और फ्रेंड अब आपको करना क्या है, आपको अपने इंस्टाग्राम पर 48 घंटा कोई भी एक्टिविटी नहीं करना, यानी कि फ्रेंड आपको अपने इंस्टाग्राम को इतना सेटिंग कर देने के बाद आपको अपने
इंस्टाग्राम अकाउंट को लॉग इन करना ही नहीं है, लॉग आउट मार देना है, कोई भी एक्टिविटी नहीं करना है। क्योंकि अगर आप कोई एक्टिविटी करेंगे तो फिर आपका इंस्टाग्राम पर ये प्रॉब्लम कभी हटेगा ही नहीं। तो इसीलिए आपको अपने इंस्टाग्राम को बंद कर देना है, यानी कि 48 घंटे के लिए, और 48 घंटे के बाद जो है फ्रेंड आपका इंस्टाग्राम का ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि किस तरीका से ये प्रॉब्लम को ठीक किया जाता है। और फ्रेंड अगर इस तरीका से भी आपका इंस्टाग्राम का ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होता है तो फ्रेंड आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। और फ्रेंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।